inside haunting, like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone, but I'm still feeling. ये टैंक फुल रहेगा एकदम ऊपर तक और आगे. हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. सो आफ्टर बहुत मन्नत मशक्कत 9th ऑफ अगस्त 2019 हम फाइनली निकल चुके अपने 9 दिन के ट्रिप के लिए. टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा डेस्टिनेशन क्या कहाँ पे है. एक्चुअली आपको पता है, मुझे अभी तक नहीं पता कि हमारा डेस्टिनेशन कहाँ पे है, क्योंकि अभी कुछ भी फिक्स नहीं है. टाइम अभी 6:30 हो रहे हैं. गाड़ी में फुल टैंक डीजल लिया है, 3 कैरेट पानी लिया है, कुछ खाने के लिए बहुत सारा सामान लिया है, और निकल पड़े हैं अपने जर्नी पे अपने एक बेस्ट साथी के साथ. तो मिलवाता हूँ उससे. हेलो मानी. हाय. तो कैसा लग रहा है? क्या बोलूँ यार, मतलब कहाँ जाना है, क्या डेस्टिनेशन है, कुछ नहीं पता है, लेकिन बस अब निकल गए कि नहीं यार चलना तो है ही, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, कोई ना कोई एक अच्छा सा आपके लिए वीडियो ब्लॉग बनाएंगे और आपको दिखाएंगे. लेट दैट बी एनी प्लेस, वेस्टर्न घाट्स में ही कहीं पे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे. सो प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि एज यू ऑल नो, आपके अभी कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गोकर्णा, मतलब इन सब एरिया, इनफैक्ट आज केरल इतना ज्यादा फ्लडेड है, इतना ज्यादा फ्लडेड है, बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि हमें एक्चुअली नहीं पता है. प्लान था कि हम आज पहले दिन मुंबई को हिट करेंगे, सो नॉन स्टॉप मुंबई को हमें चलाना था, बट देन वी आर नॉट श्योर कि हम आज मुंबई जाएंगे. विल जस्ट यू नो ट्राई टू सी फॉर ए कपल ऑफ डेज, एंड उस टाइम पे हम शायद गुजरात थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, कहीं जाएं. अभी पता नहीं है कहाँ जाएंगे. अभी तो राजस्थान NH-8 पकड़ना है, और यही NH-8 कोल्हापुर में, आपने न्यूज़ देखा होगा कि कोल्हापुर में बहुत ज़्यादा फ्लड है. सो मनी, हम वही एक दो दिन का टाइम हम दे रहे हैं खुद को, और पीरियड ले रहे हैं यार. हाँ, लीन पीरियड. हाँ, मतलब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्या है वो एनालाइज करते जाएंगे, रास्ते में देखेंगे. So we stopped here. अभी घर से ना 10 किलोमीटर नहीं चले हैं. Look at the weather, guys. Look at the weather. आसमान, नज़ारे, ये sunset, just so beautiful, just so beautiful. So अभी गुड़गांव में ही है, अभी कहीं बड़े नहीं है. अभी यहाँ पे 2-3 फोटोग्राफ लेते हैं, इंस्टा पे स्टोरीज अपडेट करते हैं, फिर जाते आगे. So this is the first tool of the journey. घर से जो डिस्टेंस कवर किया है वो सिर्फ 12.5 किलोमीटर किया है. गाड़ी में हवा, तेल, बाकी सारी चीज़ें करवाते करवाते ना 1 घंटा निकल ही गया. बट ठीक है, टाइम बहुत है अपने पास, 9 दिन है भाई, इन्जॉय करो. इन्जॉय कर नहीं तो निकले. Relax. Relax. I'm alone, but I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know. So we've covered 37 kilometers and 7:30 baj rahe hain, and aage traffic jam laga hua hai. Sare tez hain. Hum hi tez nahi hai, sare tez hain. तो 100 पे क्रूज सेट कर दिया है. मनी भी उठ गया. एक्चुअली आई जस्ट स्टॉप द कार और पी ब्रेक के लिए, तो मनी भी उठ गया था. जयपुर के पास एक नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, क्योंकि हम गुजरात जा रहे हैं और गुजरात में नॉन वेजिटेरियन तो मिलेगा नहीं. सो व्हाई नॉट यूज दिस नाइट एंड यू नो हैव एन डिलीशियस नॉन डेलिकेसीज ऑफ जयपुर एंड राजस्थान नॉन वेजिटेरियन फूड. सो हम राज चिड़िया करके एक रेस्टोरेंट पे रुकने का प्लान है. 155 किलोमीटर लास्ट दिखा रहा था, एंड करीबन 2-2.5 घंटे लगेंगे. सो वेट करेंगे वहाँ पे राज चिड़िया पे जाके कुछ खाएंगे. बीच में अगर रुकने का मन किया तो चाय वाय पीने के लिए रुकते हैं, बताता हूँ फिर आप. मजा आ रहा है, दौड़ते हुए आ रहे हैं. I'll be right there all of a sudden. Here comes the third tool. And अभी
जीत इफ यू आर वॉचिंग इट, अभी हम आपसे बात कर रहे थे. सो वी हैव रीच्ड हाईवे किंग एंड वी आर मीटिंग टू लवली सब्सक्राइबर्स, फादर एंड सन. सो दे बोथ वॉच द वीडियोज एंड बहुत बहुत अच्छा लगा. देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज बिकॉज वी आर स्टैंडिंग ऑन अ हाईवे, बट थैंक यू सो मच. इट नो प्लेजर ऑल आस, मतलब यू टुक ऑल द टाइम, मतलब रात में 10 बजे. इट्स सच अ प्लेजर टू मीट यू गाइस यार, सीरियसली. स्पेशली दिस गाय, ओह सीरियसली, नाइस पर्सन है, स्माइलिंग. वो तो मैं मैरिज कर रहे हो, मनी मैरिज कर रहा है. इतनी रात में जगा हुआ यार. हां सीरियस. So we met Aman all of a sudden. Okay, so Aman was actually passing by and फिर रास्ते में he actually saw the sticker and he realized के okay ठीक है हम यहाँ से जा रहे हैं. Okay, so great Aman, great to meet you buddy. Nice meeting you buddy. Yes, pleasure to all us. चलो bye bye, take care. So अभी हम King 11 क्या नाम है, King, अच्छा राज चिड़िया के पड़ोसी पे रुके हुए. एंड यहाँ पे अपन अंदर बैठते हैं एंड फिर कुछ खाते हैं. सो दैट्स रोटी चिकन जिसके लिए हम इधर उधर भटक रहे थे. एंड इस पूरे जगह पे सिर्फ हम अकेले हैं, बाकी लोग यहाँ पे बड़े शाही हैं तो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, पर ठीक है हमें तो चिकन खाने से मतलब है. तो हो गया, चिकन बहुत मस्त था, थोड़ा तीखा था, वो सुबह पता चलने वाला है. प्लान ये कि अब मनी थोड़ी देर पीछे जाके सोएगा, दो तीन घंटे, तीन चार घंटे जो भी है, गाड़ी मैं चलाऊंगा, तो हम दोनों को नींद आएगी क्योंकि हमने खाना बहुत फूसा है भाई, बहुत रोटी भैया रोटी करके खाना बहुत फूसा है अब. सो आफ्टर डिनर कितना टाइम हुआ भाई, एग्जैक्ट 12 बजे हैं और हमने घर से बस सिर्फ 250 किलोमीटर कवर किया है. जो अभी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 850 किलोमीटर और करना है, 14 घंटे के करीब लगने चाहिए. सो चलो मनी अभी सोएगा, मैं ड्राइव करूंगा, उसके बाद जब मुझे थकान होगी तो मैं उसको जगा दूंगा और मनी ड्राइव करेगा. तो पर्सनली बिलीव राजस्थान के हाईवेज बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत स्मूथ हैं, स्पेशली द स्ट्रेच फ्रॉम जयपुर टू अहमदाबाद जो गुजरात कनेक्ट करता है, बहुत ही मक्खन रोड है. मतलब एट नाइट 1 बज रहा है, दिस इज़ 1 o'clock. ओके सो ज़्यादा ट्रक का ट्रैफिक नहीं है, बारिश अभी नहीं हो रही है, रोड बहुत अमेजिंग है, 100 पे क्रूज कंट्रोल डाल दिया है एंड कंफर्टेबली बैठे हैं, ग्लाइड कर रहे हैं. सो रोड्स ऐसे रहेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ करना नहीं होता है, बट इससे प्रॉब्लम ये कि साला नींद ज़्यादा आती है क्योंकि कुछ भी नहीं करना होता है. तो लकली एक दो ट्रक बीच में इधर से उधर कटिंग मारते रहते हैं, सो थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ता है एंड उनके बीच से निकालते हैं. सो किशनगढ़ सिटी से क्रॉस कर रहे हैं, किशनगढ़ इज वेरी फेमस फॉर इट मार्बल प्रोडक्ट्स. टोल वाले भैया तनी गेट उठा दो. थैंक यू भैया, शुक्रिया. सुबह के 2 बज चुके हैं एंड अभी भी जो हमारा डिस्टेंस बाकी है 680 किलोमीटर बाकी है. जो टोटल डिस्टेंस अभी तक हमने कवर कर लिया है वो 405 किलोमीटर किया है और ये हम मैं पीछे आ गया हूँ और मनी अब ड्राइव कर रहा है. बेसिकली ये हमारा बेड है. सो टोल बूथ एंड टोल 75 रुपीज़ है एंड जस्ट लुक एट इट, मतलब मैं पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाता हूँ. बस लाइट क्यों बंद कर दो भाई, लाइट क्यों बंद कर दो.
हमारे गाड़ी में एक लाइट, दो लाइट, तीन लाइट, चार और पांच लाइट है, पीछे भी लाइट है। तो चलो चलते हैं। सो 3:30 बज रहे हैं एंड रास्ता देखो, मतलब इतना अमेजिंग रास्ता है, आपको कुछ नहीं करना है, बस क्रूज पे डाल दो एंड छोड़ दो। एंड ये जो पाली वाला रोड है जो अहमदाबाद को कनेक्ट करता है, बहुत ऑसम है, बहुत ऑसम। अगर आपने माउंट आबू वाला वीडियो देखा होगा इसके पहले, जो समय हम ये दिन से ट्रैवल कर रहे थे, तो आपने देखा होगा पहाड़ है, बहुत ग्रीनरी है, बहुत अमेजिंग रोड है। मतलब सिर्फ कुछ नहीं करना आपने, आपने बस क्रूज सेट करना है और गाड़ी को स्टेयर करना है, दैट्स इट। तो चलो, नींद तो आ नहीं रही है, ना मेरे को आ रही है ना मनी को आ रही है। सो फिलहाल अभी मनी ड्राइव कर रहा है एंड मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। 80-100 के बीच में चल रहे हैं तब से। सो फ्यूल इकोनॉमी हमारा 15.5 का आ रहा है एंड 15.5 विद दिस कार इज जस्ट अमेजिंग, इजंट इट मनी? बिल्कुल यार, मतलब इतने बड़े इंजन में अगर 15.5 का भी एवरेज आ रहा हो तो इट्स वेरी डिसेंट एंड इट्स वेरी कमेंडेबल जॉब डन बाय दिस मशीन। बट द प्रॉब्लम इज कि आपको डिसेंटली चलाना पड़ेगा। अगर हड़बड़ा के चलाओगे तब नहीं मिलने वाला भाई, तब तो 12 का एवरेज मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बी वेरी जेंटल ऑन द एक्सीलेटर, आराम से प्रेस करो, आराम से धीरे धीरे एक्सीलेट करो, हैव दैट लीनियर एक्सीलरेशन एंड यू विल गेट दिस ऑसम 15.5 का एवरेज। सो फाइनली एट 4:17 आई एम बैक ऑन ड्राइविंग सीट एंड हाईवे आप देख रहे हो, मतलब दिख क्या रहा ही होगा बट जो भी दिख रहा है ऐसे ही है, प्लेन है, क्रूज पे डाल के छोड़ दिया है। वी जस्ट हैड पी ब्रेक एंड अभी भी हम 550 किलोमीटर कवर कर चुके हैं एंड जो अपना डिस्टेंस बचा है ऑलमोस्ट 550 बचा है। सो आधा डिस्टेंस अभी एक्चुअली बचा हुआ है। I'm alone, but I'm still feeling like someone's with me. It's strange. सो व्हाट आई डू इज आई ऑलवेज टर्न ऑन माई जीपीएस का हमेशा मोबाइल पे एक अलग से लगा के रखता हूँ एंड हमेशा उसको ऑन रखता हूँ, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट। मुझे एक्चुअली पहले से पता होता है देखने मैप पे देखने के बाद कि देयर इज अ कर्व इन द रोड अहेड एंड उसके हिसाब से ना मैं अपना स्पीड कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। सो लुक एट द कर्व हियर एंड अगर आप रोड पे देखोगे तो आपको रोड पे सीधी रोड नज़र आएगी, कर्व बहुत लास्ट में आके पता चलता है। सो दिस रियली हेल्प्स मी। सो अगर आप रात में ड्राइव कर रहे हो तो यू कैन यूज दिस टेक्निक। सो आई हैव जस्ट स्टॉप्ड हियर स्ट्रेचिंग ब्रेक। मन ही अंदर सो रहा है, मन कर रहा है जाके चाय पीऊँ बट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बाकी, अभी भी 450 किलोमीटर बाकी है। सो चलते हैं वापस एंड ड्राइव करते हैं। Time is unfair, 'cause I know you're out there somewhere. सो जस्ट आफ्टर वी एग्जिटेड NH 48 इस ढाबे पे रुके हैं, अंबिका रेस्टोरेंट, चाय पी रहा हूँ इसके शेड के नीचे हूँ क्योंकि बारिश हो रही है एंड सुबह का टाइम ऑलमोस्ट 5:30 हो गए हैं। सून इट विल बी सनशाइन एंड यहाँ बहुत क्लाउडी होने वाला है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस बारिश हो रही है। मनी स्लीपिंग, सो मनी सो रहा है तो उसको सोने देते हैं, चलते हैं यहाँ से। गुड मॉर्निंग माउंट आबू। सो बेसिकली हम आबू रोड के बहुत पास है, माउंट आबू के बहुत पास है एंड यू कैन सी द वेदर आउटसाइड गाइज, इज सच ए प्लेजेंट वेदर, इज सो सो ब्यूटिफुल। हल्की हल्की ड्रिजल हो रही है, दोनों साइड बहुत हरियाली है, रोड पे पूरा पानी है, बहुत मज़ा आ रहा है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। 12 घंटे हो गए हमें गाड़ी चलाते हुए, इनफैक्ट हमने 57 किलोमीटर्स कवर कर लिया, अभी भी 450 किलोमीटर बाकी है। We'll be right back.
जिम गए हो तुम? हाँ गया हूँ। मतलब अभी हाल फिलहाल में गए हो? हाँ। तब तो तुम इंडियन वॉशरूम यूज कर लोगे। तो घुटनों में भाई नी पैड लगा के जाना, मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर सारा काम तमाम करके ना जल्दी से भागना पड़ता है। एक बार बैठो तो साला उठने में भी ना दीवार का सहारा लेना पड़ता है। बचपन में स्कूल में मुर्गा वुर्गा बनते थे ना, इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। अभी साला कोई मुर्गा बनने बोल दे मैं अंदर पहले ही जोड़ लेंगे भाई, बोलना कर लो। हाँ, मुर्गा ना बनाओ, मुर्गा ना बनाओ, सीरियसली भाई। 'Cause I know you're out there somewhere, patient wait. So, यहाँ ये दूसरा टोल है जहाँ पे हमें टोल नहीं लगा। एंड पूछते हैं भैया, ये गुजरात में आता है राजस्थान में आता है? ये जगह है राजस्थान में। गुजरात कितने दूर है यहाँ से? 20 किलोमीटर। ठीक है भैया, थैंक यू। Okay, look at the view, guys. We just stopped at some state highway, and just look at the view. It is so damn green. It is so damn green. Can you listen that? कितना खूबसूरत है ये, कितना खूबसूरत है ये। मतलब मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। मैंने सिर्फ ब्रश किया है। ये जो सामने से लड़का आ रहा है ना, ये लड़का, ये पॉटी करके आ रहा है, पॉटी। देख लो, ध्यान से देख लो। ये भाई साहब खेत में गए थे पॉटी करने, कह रहे नेचर का मजा लेंगे, नेचर का। फर्टिलाइजर बढ़ाने गए थे, फर्टिलाइजर। यहाँ पे फ्रेश हो रहे थे, ब्रश करना, थोड़ा फेस वेस वॉश करना। मैं 1 घंटे सो गया हूँगा, बाकी तो नींद आ नहीं रही है। अभी डिक्की विक्की बंद करते हैं, फिर चलते हैं। चीजें गुजराती में लिखी हुई है तो हमें नहीं समझ में आ रहा है। और क्या मनी, तुम्हें भूख नहीं लगा? 9 बज गए यार, भूख लग रही है मुझे तो। ये तो नेचर देख देख के हमारा पेट भर रहा है यार। सो हम आ चुके हैं NH 41 पे, और सॉरी NH 27 पे, और हमें 221 किलोमीटर इसी NH 27 पे रहना है। एंड ये रास्ता बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये आगे देखो, बिल्कुल आगे नजारा तो मतलब भयंकर बारिश हो रही है, बारिश ही बारिश है। और 4 लेन रोड पे वापस से आने के बाद थोड़ी सी जो है ना रिलीफ फील हो रही है। नहीं यार, वो लेन ज्यादा मस्त था यार, यहाँ पे वो सीनिक था यार, बहुत सीनिक था। हाँ। आप बताओ कमेंट करके, ये वाला ज्यादा अच्छा है या वो वाला ज्यादा अच्छा था? So, कल घर से अपन 790 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं, कल हमने ऑलमोस्ट 6-6:30 बजे स्टार्ट किया था। सो 15 घंटे में 790 किलोमीटर्स, 800 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। रोड्स पे गुड, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी जो अपना डिस्टेंस बचा है, अभी भी 300 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है, क्योंकि 1100 किलोमीटर के आसपास हमारा डिस्टेंस था जो हमें कवर करना था। We'll be right back.
सो फॉर लास्ट 100 किलोमीटर्स, पता नहीं कितने 100 किलोमीटर्स से कंटिन्यूस बारिश हो ही रही है, हो ही रही है, हो ही रही है। एंड ड्राइविंग का तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन साथ साथ में हमें ये भी टेंशन हो रहा है कि ये अगर 2-3 दिन तक कंटिन्यूस हुई तो हम वापस कैसे जाएंगे। फ्लड वाली सिचुएशन की हालत यहाँ ना हो जाए। जर्नी में खाना हमने 300 रुपए खाया है और टोल पता नहीं कितनों का दे दिया है यार। मतलब सीरियसली यार, टोल ही टोल दिए जा रहे हैं, बट रोड कितने अच्छे हैं यार। तो इस अच्छे रोड के लिए थोड़ा टोल तो बनता है यार। और टोल लो, और अच्छे रोड बनाओ, और टोल लो, और अच्छे रोड। पशु पक्षी हाईवे के बीच में, हाईवे के बीच में कितना फील आ रहा है, एकदम नेचर से करीब है, नेचर के करीब। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन अभी। गुजरात एक्चुअली 3 दिन रेड अलर्ट है इसमें बिकॉज ऑफ द मॉनसून, एंड यहाँ पे दोनों साइड, इस साइड तो दिख नहीं रहा बट इस साइड सारा पानी भरा हुआ है। सो अभी ये पानी, अगर रेन बारिश ऐसी ही होती रही तो ये पानी NH पे आने वाला है। आई डोंट नो क्या होने वाला है। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, मतलब ये बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है कि वाइपर से भी ना फुल स्ट्रेंथ पे, फुल फोर्स पे वाइपर चल रहा है। एंड अभी मैंने आपको दिखाया कि लेफ्ट और राइट दोनों जगह पानी इकट्ठा हो गया है। अब कैन दिस बी फ्लड, आई डोंट नो, बट हमारी डेफिनेटली थोड़ी थोड़ी फट तो रही है कि अगर बाई चांस हम पहुँचे और उसके बाद इस हाईवे का भी हाल कोल्हापुर हाईवे जैसा, NH 48 जैसा हो गया, वेर इन ये हाईवे बंद हो गया, तो हम करेंगे क्या भाई। अगर हम फ्लड में फंस गए फिर इतने तेज में, तो मतलब 2-3 दिन रेड अलर्ट है, फिर फंस तो सकते ही है, क्या करें, वापस ले लें, पता नहीं यार।